हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड स्टैंडर्ड 6 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, पुट अ मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द स्पेस गिवन। तो आप लोग देख लो, यहाँ पर मैंने आंसर को क्या करके रखा है, स्क्वायर में बंद करके रखा है, ब्रैकेट में, सॉरी रेक्टेंगल ब्रैकेट है। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है। फिर प्रति क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वॉट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द आर्कटिक सर्कल फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो ये 28 degrees and 30 minutes होती है। इसको ना डिग्री और मिनट्स में हम रीड करते हैं, जब रीड करते हैं। ओके, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका आंसर है अटलांटिक ओशियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू विच द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर कैन द सन रेज बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसका आंसर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट आंसर है हमारा, व्हाट वुड बी द लेटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑन द साउथ पोल। तो वो आंसर आपका 90 degrees साउथ पोल। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। और अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वन। किस स्टेटमेंट को रीड करना है और जो करेक्ट है, मतलब जो रॉन्ग है, उसको करेक्ट करना है। वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड इन द लोकेशन ऑफ द प्लेस मेंशनिंग द मेरिडियन सफिशिएंट इज रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट होगा, वर्ल्ड डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस मेंशनिंग द मेरिडियन एज वेल एज पैरेलल इज एसेंशियल। पैरेलल होना ज़रूरी है। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट आंसर, फॉर व्हाट एक्सटेंट ऑफ द रीजन इट इज़ नेसेसरी टू अज्यूम द लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रीजन। तो ये भी रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसके लिए राइट स्टेटमेंट आपके पास ये रहा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट है, लोकेशन ऑफ द रोड कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली विथ मैप इज रॉन्ग। लोकेशन ऑफ द रोड कैन बी डिस्क्राइब बाय द मैप एज वेल एज GIS एंड GPS, जो कि आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 degrees ईस्ट मेरिडियन एंड 180 degrees ईस्ट मेरिडियन, ये रॉन्ग है। 0 degrees मेरिडियन एंड 180 degrees मेरिडियन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको कभी लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। द नेक्स्ट आंसर है, द एक्सटेंट ऑफ द रोड और ए रिवर कोर्स इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द लेटिट्यूड ऑफ द पॉइंट इन द सोर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द पॉइंट एट द एंड। जो इसका है स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट है, द एक्सटेंट ऑफ द रोड और रिवर कोर्स इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द लेटिट्यूड ऑफ द पॉइंट एज वेल एज लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इन द सोर्स ऑफ एंड द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ अ पॉइंट एज वेल एज लेटिट्यूड ऑफ पॉइंट एट द एंड। देन क्वेश्चन नंबर 6, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ पैरेलल टू 37 degrees 66 degrees नॉर्थ। मुझे लगता है ये मिनट होगा, 67 degrees 66 minutes। पैरेलल इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन। यहाँ पे आप इसको सही कर लो, ये आएगा यहाँ पर ऐसा, ये कॉमा लगा रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 के नीचे कॉमा लगा ना, यहाँ जैसा यहाँ पर कॉमा लगा है ना, इसके 4 के ऊपर ऐसा यहाँ पर आपको ये डिग्री ना बना के कॉमा देना है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। 8 degrees 4 minutes पैरेलल टू द 37 degrees 66 minutes नॉट पैरेलल इज इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन, इट एक्सप्रेस ओनली द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट ऑफ लोकेशन। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। ये आपको मैप के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें फटाफट ये इतने सारे स्टेटमेंट है, उसके नीचे आपको कॉपी करना है। एक्चुअली मैप वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं है, बट ये आपको लिख लो, फिर भी बुक कंप्लीट करने के लिए जो ज़रूरी है चाहिए ये आपको। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, उसको अच्छे से लेबल भी करना है। अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऊपर में साइड में 3 dots दिख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करोगे आपको क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके क्वालिटी 480 या तो 720 में कर लेना, आपको आंसर बिल्कुल क्लीन दिखेगा, चकाचक। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको देखो, लिख लो, यहाँ से कॉपी कर लो,
What are the effect of the unequal duration and unequal distribution of the intensity of sunlight? Unequal duration और distribution के बारे में बताया है, तो देख लो यहाँ से कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर टू है, इसलिए मैंने जो आंसर टाइप किए ना एकदम पॉइंट पॉइंट वाइज में टाइप किए हैं कि अगर आपको मान लो चार मार्क्स ले आता है तो सिर्फ आप चार पॉइंट लिखना है, दो पॉइंट लिख लेना, मतलब एकदम छोटे छोटे पॉइंट वाइज कि मतलब आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे आप पॉइंट वाइज यूज़ करते हो ना, मतलब आंसर रीड करने के लिए या लर्न करने के लिए, तो वो तेज़ी से याद होता है। तो एक एक पॉइंट, जैसे अभी कुछ खा पी रहे हो एक पॉइंट याद कर लो, फिर कुछ कर रहे हो फिर एक पॉइंट याद कर लो, मतलब छोटे छोटे स्नैप में बनाते रहो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको भी देख लो कॉपी कर लो। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीटेड। अब हम अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओ, और कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे क्वेश्चन आंसर देने में या एक्सप्लेन करने में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो यार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।